चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समा। मैंने आप तक जो समझाया विद पीपल को, इसके कॉन्सेप्ट को, मैं वो आप सभी के सामने रखूंगी। तो वी द पीपल, जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा, वी वी मीन्स हम, ये आई नहीं वी है। तो वी वी को हमें समझना होगा कि वी का मतलब क्या है। वी द पीपल क्यों क्यों इसको हमने वी द पीपल को लेकर आए। वी से है हम सब। हम सब मतलब पूरा हमारा समण समाज, SC ST OBC, जिसको हम 85% कहते हैं, उसको इकट्ठा करने का काम जो है ये वी द पीपल वी के माध्यम से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ताकि सभी लोग एक जगह एक मंच पर एक अम्ब्रेला के नीचे आकर हम सब जो जो हमारे अचीवमेंट, जो हमारे अधिकार थे जिनको हम नहीं बचा पाए हैं, उन सबको हम साथ एक अम्ब्रेला के नीचे आके बचाने की कोशिश करें। कोशिश जब ही होगी जब हम सब इकट्ठा होंगे। तो वी द पीपल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी हमें संघ बनाने की जरूरत पड़ी है। संघ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिन लोगों को हमने चुनकर समाज में आगे बढ़ाया, बहुत सारी पार्टियों से नेताओं को आगे बढ़ाया, बहुत सारे संगठनों को आगे बढ़ाया, उनको जमीन से लेके ऊंचाई तक पहुंचाया, लेकिन जो हमारे काम थे, जिनकी उम्मीद हम लोगों ने की थी, जिसकी उम्मीद हमारे समण समाज ने की थी, कि जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे दुख दर्द हैं, उनको लेकर आगे तक जाएंगे और हमारे उन दुखों का निवारण करेंगे, उनके लिए हमने इन लोगों को आगे बढ़ाया, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हमें ये वी द पीपल संघ की हमें स्थापना करने की जरूरत पड़ी, ताकि हम लोग सभी लोग इकट्ठा हो जाएं और एक साथ अगर हम मिलेंगे तभी हमारी एक ताकत बनेगी, और एक ताकत होगी तभी हम लोग अपने अधिकारों को बचा पाएंगे। आज की डेट में भी देखिए बहुत सारे अगर हम न्यूज़पेपर आज भी उठाकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं एट्रोसिटीज, कुछ ना कुछ हमारे लोगों के साथ अन्याय हो अभी भी हो रहा है। इतने सारे संगठन होने के बावजूद, इतनी सारी पार्टियां होने के बावजूद, इतने सारे MP MLA होने के बावजूद भी हमारे जो लोगों के साथ आज भी अन्याय हो रहे हैं, तो वो उन सब से दुखी होने के बाद, इन सभी नेताओं से, इन सभी संगठनों से परेशान होने के बाद वी द पीपल को समाज के सामने रखा गया है, ताकि सब लोग इसमें आए और अपने इकट्ठे हों और एक ताकत के साथ, एक जुनून के साथ, एक पूरी मेहनत के साथ इकट्ठा होंगे, और तभी हम इन सब जो हमने सोचा था उन इन इनकी वजह से हमें नहीं मिला, उसको हम प्राप्त कर सके। तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ पुरुषों के साथ ऐसा, हमारी महिलाओं के साथ तो बहुत ज्यादा ज्यादा, जितने संगठन बने, जितनी पार्टी बने, उतने ज्यादा परेशानियां हमारे समाज की महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। तो महिलाओं को जो है इकट्ठा करने के लिए हमें अपने समाज की महिलाओं के साथ, जो हमारी बहनें जान चुकी हैं विदा समण समाज क्या है या विदा पीपल का कॉन्सेप्ट क्या है, जो जान चुकी हैं, उनको हमें आगे बढ़ाने के लिए आगे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, अपनी बहनों को जोड़ने की कोशिश करनी होगी, और ये जो जितनी हमारी बहनें जान चुकी हैं हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें, चाहे हमें फोन से कांटेक्ट करें, चाहे हमें डोर टू डोर जाना पड़े, चाहे हमें किसी भी फंक्शन में हम हों वहां पर वी द पीपल का कॉन्सेप्ट रखें, वहां पर हमें अपनी बहनों को ये बात बतानी होगी कि अलग अलग चारों दिशाओं में अगर हम घूमेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें एक दिशा में चलना है और एक साथ मिलकर चलना है, इकट्ठा होकर चलना है, तभी हमारे समाज के जो 50% जो ताकत है महिलाओं की, वो तभी इकट्ठी हो पाएगी। क्योंकि हमारी जो समाज की महिलाएं, हमारे वमन समाज ने की महिलाओं ने, अभी भी मैं आज एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक ठाकुर राजपूत की एक महिला हमारे समाज में आकर के हमारे लोगों को भड़काने का काम कर रही है। उसकी हिम्मत देखिए कि वो हमारे समाज के बीच में अकेली महिला आती है
और पूरे बीच में बैठ करके सारे लोग खड़े हैं और वो हिंदू और मुस्लिम का एक एजेंडा दे के उनको भड़काने की कोशिश कर रही है। तो हमारे तो काफी सारे हमारे समाज की तो बहुत सारी महिलाएं हैं, और जब आप तो जागरूक हो चुकी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, और जो हमारे विदा पीपल का कॉन्सेप्ट है उसको भी जान चुकी है, तो क्यों ना हम सब लोग भी एक नहीं दो महिलाएं, अगर आसपास की एरिया की हैं, अब जैसे मैं तिलक नगर से हूँ और मेरे आसपास की कोई एक महिला है, तो हम दो महिलाएं मिलकर अगर हम किसी भी अपने एरिया में जहाँ पर हमारा ज्यादा से ज्यादा समण समाज जहाँ रहता है, बहुत सारी हमारी ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ पर अपने लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो क्यों ना हम एक से दो महिलाएं होकर हम वहां पर जाकर, चाहे दो महिलाएं अगर हमें मिलती हैं, तो हमें उन दो महिलाओं को भी अपना कॉन्सेप्ट हमें समझाना चाहिए। अगर उन दो महिलाओं में से हमारी एक बहन अगर एक दिन में जुड़ जाती है, तो वो आगे दो महिलाओं को बताने का काम करे। इस तरह से हमें एक चैन बनाकर काम करना पड़ेगा। ये चैन का एक कॉन्सेप्ट मैंने एक मूवी में देखा था, तो मैं काफी दिनों से दिमाग में था कि क्यों ना हमें एक चैन के रूप में काम करें, एक से दो, दो से चार, चार से छह, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चले जाएं और अपने समाज में चैन बनाते हुए हम ये काम करें। तो ये जैसे हम बहुत सारी चैन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे अवसर होते हैं। अब जैसे हमारे घर परिवार में, रिश्तेदारी में या दोस्तों में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे बच्चे का जन्मदिन होता है आजकल बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि हमारे समाज के पास पैसा आ गया है, तो बहुत अच्छे लेवल पर जन्मदिन मनाया जाता है, खूब सारा पैसा खर्चा किया जाता है, अब काफी अच्छे बड़े बड़े केक काटे जाते हैं, बहुत अच्छे डेकोरेशन होती है। तो अगर वो लोग इतना पैसा वहां पे खर्च कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के खर्चे पर क्यों ना हम अपना विदा पीपल का कॉन्सेप्ट वहां लेकर पहुंच जाए, और वहां पर आए हुए जो रिश्ते नातेदार है उनके बीच में बैठकर खाएं पिए भी, और अपना विदा पीपल का कॉन्सेप्ट ही एक कोने से इतना धीरे से उन लोगों के कान में डाल दिया जाए। वैसे लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। कोशिश अगर हम नहीं करेंगे, तो हम आज जो 300 लोग, 380, 340 इस तरह से हम लोग जो जुड़ जाते हैं, तो ये हमारी कोशिश का ही तो नतीजा है। हम फोन करते हैं, बातें करते हैं या किसी को बताते हैं, तभी तो सभी लोग जुड़ते हैं। तो हमें भी वहीं से कोशिश करनी होगी कि चलो खाना खा लिया, बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं, और वहीं पर बातें करते करते क्यों ना तो वहीं पर ही हम अपने विदा पीपल का कॉन्सेप्ट उन लोगों को सुना दिया जाए। अगर 10-20 लोग वहां पर सुन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20 ने सुना, तो 500 जरूर, 5 के तो दिमाग में जरूर अटैक करेगा कि आखिर है क्या, और उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए वो जरूर विदा पीपल की मीटिंग को जरूर ज्वाइन करेगा। तो इस तरह से हमें अवसर जो है हमें खुद तलाशने होंगे अपना इस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसी तरह से शादी समारोह होते हैं, दुख सुख की घड़ियां सबके साथ होती है। शादी समारोह है, वहां पर भी लोग बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। अभी भी हमारे एक बीच में भी एक प्रोग्राम था, वहां पर हम लोग भी गए हुए थे, कुछ लोग वहां मिले हमें रोनी सेक्टर की साइड में, तो कुछ उन लोगों के बीच में थोड़ा सा मैंने वहां पर बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग देखो कि हम बामसेफ में हमने बहुत साल काम किया है, और ये मेसराम के साथ बहुत सालों तक हमने काम किया, हमने उसको छोड़ दिया ले आप, और इस वक्त हम लोग विदा पीपल के लिए, मैंने कहा मैं डेली मीटिंग अटेंड करती हूँ, आप लोग एक बार सिर्फ सुनो, नौ आप ज्यादा नहीं जुड़ सकते, आप 9:45 बजे जुड़ो और 9:30 बजे आप चाहे लीव कर लेना, लेकिन 9 बजे आप कॉन्सेप्ट सुनने के लिए आप जरूर जुड़ो। आप समझो, आप जब कॉन्सेप्ट सुनोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आखिर विदा पीपल क्या करना चाहता है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका मोटिव है, क्या वो समाज के लिए करना चाहता है, कैसे किस तरह से लोग उसमें जुड़ रहे हैं, किस किस डिपार्टमेंट से, किस किस डिपार्टमेंट से हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर हैं, टीचर्स हैं, हर डिपार्टमेंट्स के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, और पूरे दिल खोल के काम, पूरी मेहनत के साथ सभी लोग लगे हुए हैं। तो अगर हम इस तरह की बात करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ सकेंगे, और उसमें हमारी सबसे ज्यादा है हमारी बहनों की संख्या, क्योंकि हमारी बहनें जल्दी से जुड़ना नहीं चाहती हैं, अगर उनको बोला जाए तो बहुत जल्दी से सुनती नहीं है, अगर सुन लेती हैं तो भी एक तरह से इधर से सुनना उधर को निकाल के चल देती हैं, क्योंकि मेरी एक कई सारी कोशिश मेरी ऐसी नाकाम हो गई हैं, उनको बड़ी मुश्किल से मैं उनको जोड़ा, दो चार मीटिंग में वो लोग आए, और उसके बाद फिर से जी वो वापस वहीं पहुंच गए।
अब फिर कोशिश, लेकिन मेरे ये, मैं भी एक उम्मीद से आशावादी हूँ। मैं भी बीच बीच में उनको भेजती रहती हूँ, भाई आज जरूर जुड़ना, आज जरूर जुड़ना, देखते हैं कब तक नहीं जुड़ते। लेकिन यही है कि कोशिश करने से, कहते नहीं है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ये उसी का नतीजा है कि आज की डेट में भी हमारे साथ इतने सारे समण समाज के 234 लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, और रात के 9:30 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बजे तक भी इवन बैठे बैठे होते हैं, तो ये कोशिश का ही नतीजा है। और मैं तो सिर्फ महिलाओं पे ज्यादा जोर देती हूँ, बहनों पे ज्यादा जोर देती हूँ कि वो 50% की अपनी, हमारी भागीदारी बराबर हो। आज पहले ये अब महिला समर संघ की भी स्थापना हो गई है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी बहनें जुड़ेंगी, तो फिर हम तभी आगे बढ़कर काम कर सकेंगे। उसमें भी हम, उसके लिए भी हमने अभी पीछे एक मीटिंग की है, और जितने भी हमारे मीटिंग में जुड़े हुए हमारे पुरुष भाई हैं, वो भी अगर आप थोड़ी सी हमारे लिए कोशिश करें, अपने घर की महिलाओं का नंबर अगर हमें दे देते हैं, तो हम लोग उनसे खुद बात कर लेंगे कि, और उनको अपनी तरफ से भी समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे पास भी कुछ फोन शादरा से आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें एक महिलाओं के लिए हमें एक मीटिंग रखनी है। तो मैंने उनको यही बोला है कि अगर जब भी आपको एक ये मीटिंग रखनी होगी, कि हमारे घर की महिलाएं भाई समझती नहीं है, वो पूरी तरह से जो रूढ़िवादी जो परंपरा है उनको सर पे टोकरे की तरह टोकरे में रख के चल रही हैं। आप लोग आओ और एक मीटिंग लो, तो हमारे घर की महिला को समझाने का काम करना आप। तो मैंने उनको बोला है कि जब भी आपके पास चाहे 2 महिलाएं, 5 महिलाएं, 10 महिलाएं, आप हमें एक कॉल कर देना, हम जरूर आएंगे, और अपनी तरफ से हम पूरा पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक ही मीटिंग में उनके दिमाग में वी द पीपल का कॉन्सेप्ट रख सकें। कि और अब तो हमारे पास महिला समण संघ भी है, हम उनको उस समण संघ से जोड़ सकें। तो ये हमारी कोशिश है कि लोगों से मुलाकात होती है तो हम अपना कॉन्सेप्ट भी रखते हैं, उनका वी द पीपल को उद्देश्य भी रखते हैं कि आखिर क्यों स्टार्ट किया गया। कुछ लोगों ने, मैं अभी पीछे भी पूछा था कि बहन जी ये आप का ये क्या काम करेगा आगे चल के, मैंने कहा सर आप जुड़िए तो सही, पहले जुड़ेंगे सुनेंगे तभी तो आप समझेंगे। और मैंने कहा सर अभी तो सबसे मैंने एक छोटा सा उद्देश्य है कि जुड़ो और जोड़ो और साथ में सुनो, जो अच्छा श्रोता होता वही एक अच्छा वक्ता होता है। तो मैंने सर आप पहले जुड़ो तभी तो आप समझोगे, और जब आप समझोगे तो तभी आप फिर और लोगों को जोड़ोगे। तो अभी तक वो लोग जुड़ते हैं वैसे मीटिंग में, तो कोशिश तो कामयाब है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और फिर भी मैं एक बार फिर भी कहना चाहूंगी कि आप अपने घर की महिलाओं को अपना वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है अपने घर में चर्चा अवश्य करें, चाहे 2 मिनट की करें, चाहे 10 मिनट की करें, डिनर करते समय करो, लंच नहीं कर सकते, डिनर के टाइम पर सभी लोग फ्री होते हैं, उस टाइम पर थोड़ी देर चर्चा कर सकते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा। नहीं तो जिस दिन भी आपके पास टाइम हो, जरूर अपने घर की अगर महिलाओं को जोड़ना है तो अपने घर में चर्चा जरूर करनी होगी। इसी के साथ मैं अपनी, आप सबने मेरे को सुना, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं।
हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shalom.